लिख लो यार, सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ध्यान दो। जैसे अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू एक्स है, ए रेज टू एक्स हमारे लिए नोन है, हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नोट इट, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, जो यहां लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं, एंड इधर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं जिसका हम लॉग ले रहे हैं, समझ गए ना। तो थोड़ा ये जब इनवर्स फंक्शन आपका हो जाएगा तो ये बात समझ में आएगी। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, ध्यान से देखने आ रहे, ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, लिख लो यार, एक्सप्लेनेशन आफ्टर इनवर्स फंक्शन। जब आप इनवर्स फंक्शन हो जाएगा तो आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी इस बात की, लिख लो यार, क्वेश्चन मार्क लगा दो और क्लियर कब होगा ये, आफ्टर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, नहीं ठीक है, अब ध्यान से देखो, इट इज जस्ट एंड जस्ट इक्विवेलेंट टू, ध्यान से देखना, ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स। अगर हम मतलब आपको ये तो समझना ही है, अभी ये लिखा है या फिर वाई इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, तो इस चीज को ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मतलब अगर हम y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स कहते हैं तो इसे डिफरेंट तरीके से, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, एग्जैक्टली सेम। अगर हम ये कह रहे हैं या ये कह रहे हैं, एक ही बात है, बाद में आप सीखेंगे यही इनवर्स होता है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहां पे ए की वैल्यू वन पॉसिबल है, यहां पे ए की वैल्यू वन पॉसिबल नहीं है, बात समझ में आ रही है। एक्स से तो कोई दिक्कत है नहीं, एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। वाई कैसा होना चाहिए, कोई कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ गई। ए की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो ये कैसा होगा, जीरो टू वन में होगा, या फिर कैसा होगा, ग्रेटर देन वन, या तो जीरो टू वन में होगा या ग्रेटर देन वन। जब जीरो टू वन में होगा तो इसका नेचर एक जैसा होगा, मीन्स जब हमारा कॉन्स्टेंट ए जीरो टू वन में होगा तो इसका नेचर एक ही टाइप का होगा, बात समझ में आ गई ना, ठीक है कि नहीं। एंड जब हमारे पास कॉन्स्टेंट ए ग्रेटर देन वन होगा तो इसका नेचर एक अलग टाइप का होगा, जैसा कि जीरो टू वन में उससे अलग होगा, लेकिन वो एक ही टाइप का रहेगा, समझ गए, बात समझ में आई ना। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं कि y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, यहां से ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ y, जैसे y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स लिखा है हमारे पास, तो यहां से ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ y रियल कब होती हैं, यहां से ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ y रियल कब होती हैं, x कैसा हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ गए कि नहीं। जब y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो यहां से ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ y रियल कब होंगी, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। साइन एक्स है, साइन
साइन एक्स से हमेशा कैसी वैल्यूज ऑब्टेंड होती है? रियल। एक्स के हर वैल्यू के लिए कैसी ऑब्टेंड वैल्यू होती है? रियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास कभी भी y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स लिखा है, y इक्वल टू क्या लिखा है? लॉग बेस ए एक्स, तो यहां से ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ y रियल कब होंगी? जब x कैसा हो? ग्रेटर नहीं, x कैसा हो? ग्रेटर देन जीरो। a कैसा हो? ग्रेटर देन जीरो। a कैसा हो? नॉट इक्वल टू वन। अगर ये तीनों कंडीशन वैलिड होंगी तो y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, इससे जो वैल्यूज ऑब्टेंड होंगी वो कैसी होंगी? रियल। नोट इट, ये स्टेटमेंट लिख लो, ये याद भी रखना है। फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ y, ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ y आर रियल इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई है? एंड अंडर दीज कंडीशंस y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स इज एग्जैक्टली सेम, इज एग्जैक्टली सेम एज ए रेज टू वाई इक्वल टू एक्स, एज ए रेज टू वाई इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ गई नहीं? समझ आया? ध्यान से देखिए, हमारे पास है क्या है? जो कंडीशंस वैलिड हैं, y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, ये कैसा है? एग्जैक्टली सेम है a की पावर y इक्वल टू x के। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? लेकिन अंडर द कंडीशन a ग्रेटर देन जीरो, a नॉट इक्वल टू वन, x ग्रेटर देन जीरो। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, समझ आ गए? अब कंसंट्रेट करना, हमें यह मालूम है कि इस एक्सप्रेशन के साइन है, इसका नेचर है, तो इसका मेनली नेचर अगर ए नॉट इक्वल टू वन है तो कितने तरीके का पॉसिबल है? दो। वाई वर्सेस एक्स करेंगे तो ये कैसा आएगा? अगर ए ग्रेटर देन वन होगा तो इंक्रीजिंग, ए जीरो टू वन में होगा तो डिक्रीजिंग, ऐसा ही होगा ना? तो हमारे पास अगर ये कंडीशन वैलिड है, ध्यान से देखना, तो इसके मेजर जो नेचर हैं वो दो तरीके के पॉसिबल हैं। एक तो कब? जब ए कैसा है? ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन। देख लो यार, जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या आएगा? वाई इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। ऐसा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू
लॉग बेस 1/2 एक्स। तो इसका नेचर कैसा होता है ध्यान से समझना, मैं समझा दूंगा बाद में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा जाता है, ध्यान से देखना कैसा रहता है नेचर, यहां से जाता है एग्जाम्पल नहीं है, इसका ग्राफ है 0, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है 1, 0, ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, अगर कांस्टेंट ए कैसा हो 0 to 1 में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये, 0 से लेके इन्फाइनाइट तक डिफाइंड है, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0, 0 प्लस पे कितनी आ रही है प्लस इन्फाइनाइट, और यहां से कम होते 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 ऐसे जाता है, सही तरह से बनाना, कम होते होते कॉनकेव अपवर्ड है, कैसा है कॉनकेव अपवर्ड, इस टाइप का इसका नेचर रहता है, डिक्रीजिंग कम होते 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 इस टाइप से ये जाता है, समझ गए ना ये, इसमें कोई डाउट, नोट कर लिया, कर लिया, अब इसे समझ भी सकते हैं थोड़ा सा हम, इसका लेट ए इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, ध्यान से देखना, तो कैसे वाई इक्वल टू लॉग बेस 1/2 एक्स, ये किसके इक्वलेंट होगा 1/2 की पावर वाई इक्वल टू एक्स, ऐसे ही होगा ना, तो इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मुझे ये बताइए कि जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, अरे पावर है ना ये, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, तो ऐसा जाता जाएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, और जब y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/16, ऐसी कम होती जाएगी, जब y की वैल्यू -1 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो इसका नेचर कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस टाइप से, यही तो बनाया था हमने, ऐसा हमेशा होगा, कब होगा जब बेस किस में लाई करेगा 0 to 1 में, कोई भी बेस सबका नेचर, जैसे और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, बात बना लिया है, जब बेस हमारे पास 0 to 1 में होता है 1/2 हो 1/3 हो, इनमें क्या चेंज आएगा ये बाद में देख लेंगे, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि जब बेस 0 to 1 में होगा तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आई, समझ आ गए, अगर कॉन्स्टेंट ए ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से देखना कॉन्स्टेंट ए कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो लेट हम वी आर कंसिडरिंग लॉग बेस 3x, तो ये किसके बराबर होगा 3 की पावर y इक्वल टू एक्स, ध्यान से देखना अगर x की वैल्यू कितनी है 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, x की वैल्यू अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी कि नहीं, और अगर y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/3,
ठीक है कि नहीं? और अगर वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, अगर वाई की वैल्यू कितनी है, अगर वाई की वैल्यू माइनस वन है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई थ्री, ठीक है कि नहीं? अगर वाई की वैल्यू माइनस टू है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सेटअप, वाई की वैल्यू माइनस टू है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई नाइन। तो ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कॉनकेव डाउनवर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये पॉइंट कितना होता है, वन कॉमा जीरो, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, नोट कर लो। जब कभी भी लॉग बेस ए एक्स में बेस हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन वन, तो ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग, कॉनकेव डाउनवर्ड इंक्रीजिंग। ये कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड इंक्रीजिंग, बना लो। बना लिया, जल्दी बनाइए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन यह आया हमारे पास, y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। इसके दो तरीके के ग्राफ पॉसिबल हैं, एक कैसा, कॉनकेव अपवर्ड से नहीं, कॉनकेव अपवर्ड डिक्रीजिंग, एक तो डिक्रीजिंग पॉसिबल है और एक इंक्रीजिंग। जब डिक्रीज कब करेगा ये, जब बेस किस में लाई करेगा, जीरो टू वन में, और जब बेस कैसा होगा, ग्रेटर देन वन, तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। दोनों ही केसेस में वन पे वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ये भी वन कॉमा जीरो। ऐसे फंक्शन से एग्जाम्पल क्या है कि इनको अगर हम देखें, y इक्वल टू लॉग थ्री एक्स को देखें, y इक्वल टू लॉग बेस टेन एक्स को देखें, e की वैल्यू कितनी होती है, टू पॉइंट समथिंग। तो लॉग ई एक्स को देखें, कई बार इसे हम क्या बोल देते हैं, एल एन एक्स, कहीं पे अगर एल एन एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। बात समझ में आई ना, कहीं पे अगर एल एन एक्स भी लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स। तो एल एन एक्स का ग्राफ भी कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है कि नहीं? और डिक्रीजिंग वाले ग्राफ कैसे हो सकते हैं, वाई इक्वल टू लॉग बेस वन बाई टेन एक्स, इसे हम देखना है, या वाई इक्वल टू लॉग बेस वन बाई थ्री एक्स, इसे देखना है। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ गई? तो वाई इक्वल टू, अगर हमारे पास बेस कांस्टेंट है तो बेस अगर जीरो टू वन में लाई कर रहा है, उसका ग्राफ अलग टाइप का रहता है, वो कैसा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर बेस ग्रेटर देन वन है तो कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डाउनवर्ड एंड डिक्रीजिंग डाउन अपवर्ड। समझ गए, इतना समझ आ गया? आ गया ना?
कर लिया। लिखो यार उससे याद होंगे, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, लिखो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग एंड लोकेट द पोजिशन ऑफ ऑरिजिन। देखिए यार मान लो मैं ग्राफ बनाना है वाई इक्वल टू लॉग बेस 1/3 एक्स माइनस टू प्लस वन। लोकेट द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग एंड लोकेट द पोजिशन ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, मान लो ये बनाना है तो ये बताइए कि इसमें क्या है, ध्यान से देखना ये कितना आ जाएगा, y माइनस वन इक्वल टू लॉग बेस 1/3 एक्स माइनस टू, तो इसका पेरेंट ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू लॉग बेस 1/3 एक्स, जैसा इसका ग्राफ 0,0 के अबाउट होगा, इसका किसके अबाउट होगा, क्वाड्रेटिक में सिखाए थे, इसका जैसा नेचर 0,0 के अबाउट होगा, इसका इसका किसके अबाउट होगा 3,1। भाई ये जीरो कहां पे हो रहा है, जीरो पे, ये जीरो कहां पे हो रहा है, जीरो पे, ये जीरो कहां पे होगा 2 पे, ये जीरो कहां पे होगा 1 पे, तो जैसा इसका नेचर 0,0 के अबाउट होगा, इसका इसका किसके अबाउट होगा 2,1। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ गई ना, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, भूल गए हैं अगर तो, द नेचर ऑफ रिलेशन, द नेचर ऑफ रिलेशन वाई इक्वल टू लॉग बेस 1/3 एक्स, वाई इक्वल टू लॉग बेस 1/3 एक्स अबाउट 0,0 इज सेम एज नेचर ऑफ रिलेशन वाई माइनस वन इक्वल टू लॉग बेस 1/3 एक्स माइनस टू, लॉग बेस 1/3 एक्स माइनस टू। ठीक है कि नहीं, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे ग्राफ, ये हमने क्या किया वाई एक्स, सबसे पहले क्या बना लो, कौन सा पॉइंट था वो, अरे ये पॉइंट कितना था, नहीं 2,1, तो ये पॉइंट तो कितना बन जाएगा 2,1, समझ गए, इसके अबाउट ग्राफ बना दो, आपको टेंशन है नहीं, इसके अबाउट ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है कि नहीं, अब 0,0 को भी लोकेट करना है तो वो कहां पे होगा, अगर ये 2,1 है तो 0,0 कहां पे होगा, 1-2 यूनिट पहले और 1 यूनिट नीचे, जीरो जीरो के रेस्पेक्ट में ऐसा आ जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, सेटअप ये 2,1 है तो इससे 1 यूनिट आगे जाएंगे तो कितना आएगा 3,1, बना लो ढंग से, समझ आ गए,
कर लिया, जल्दी बनाइए ना। नेक्स्ट लिखो, ड्रॉ वाई प्लस थ्री इक्वल टू लॉग बेस टू एक्स माइनस वन। इसको थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे, इसका पेरेंट ग्राफ क्या होगा? लॉग टू एक्स। ये कैसा होता है? जैसा इसका नेचर 0,0 के अबाउट होगा, इसका किसके अबाउट होगा? 1,-3। तो डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं हम। सबसे पहले ये लाइन बना ली, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को क्या लोकेट कर दिया हमने, 1,-3, ठीक है कि नहीं? इसके अबाउट कैसा ग्राफ आ जाएगा? है? इस पॉइंट के अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये पॉइंट कितना होगा? 2,-3। इसके बाद 0,0 शो कर देते हैं। 0,0 कहां पे होगा? ये 1 है और -3 है, तो 1 यूनिट पहले होगा, 3 यूनिट ऊपर होगा, 0,0 के रेस्पेक्ट में ऐसा आ जाएगा। समझ गए? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है कि नहीं? समझ आ गए? आगे लिखिए, तो शिफ्टिंग इस टाइप की कर लेंगे, हैं? कर लेंगे ना। आगे मल्टीप्लाइड हो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा क्या? बस ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी तो मालूम ही होंगी, एलिमेंट्री जो प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक की, लिख लो सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, देखिए जरा। अभी मैं डिस्कस करूंगा ये एलिमेंट्री, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ध्यान ही रहती है वैसे तो। अगर हमारे पास लॉग बेस ए है या एक्स है इंटू वाई है, तो क्या होता है ये? लॉग बेस ए, याद भी होंगी वैसे तो आप लोगों को, लॉग बेस ए वाई, प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? लॉग में सम, डिवीजन में क्या होता है? माइनस। बात समझ में आ गई ना? अगर यहां पावर होती है तो कहां पे आती है? एम आगे आ जाती है। अगर ए की पावर हो तो क्या आता है? याद ही करना है, याद ही रहती है वैसे तो। ए की पावर हो तो क्या होता है? 1/n में आएगी, 1/n। ऐसे आएगी, बात समझ में आ रही है ना? लॉग बेस चेंज कैसे करते हैं हम? ए बी किसके बराबर होता है? लॉग बेस सी बी अपॉन लॉग बेस सी ए, ये बेस चेंज रिजल्ट है, ठीक है कि नहीं? लिख लिया। रंग से करिए जल्दी, लिख लिया ना?
लॉग बेस ए ए, लॉग बेस बी बी, इसकी वैल्यू कितनी आती है? वन। मतलब बेस और ये सेम है, इनकी वैल्यू क्या आती है? सेम होती है। समझ गए कि नहीं? बेस कुछ भी हो, वन की वैल्यू क्या होती है? ये तो अभी सिखाया था। वन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ठीक है, एक ये भी लिख सकते हैं, इनइक्वलिटी वाली अलग से बता देंगे। ए की पावर लॉग बेस ए एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आती है? एक्स। काफी काम की है, ऐसे भी लिख लेना। यूजफुल फॉर लिमिट्स, यूजफुल इन लिमिट्स, लिमिट्स में बहुत काम देगी है। ए की पावर लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू एक्स, लिख लिया? ठीक है कि नहीं? अब इसमें बहुत ध्यान से समझना, इनइक्वलिटी वाले भी अलग से बताएंगे, लेकिन पहले ये बहुत ढंग से समझिए। जैसे अगर आप ध्यान से सुनना, इनके प्रूफ तो बहुत आसानी है, याद ही रहती हैं, आप ध्यान से समझना। जैसे एक्स इक्वल टू वन है, एक्स इक्वल टू अगर हमारे पास वन है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन लिखा है, एक्स पावर फोर इक्वल टू वन लिखा है, नहीं ऐसे मत समझो, तो ज्यादा दिक्कत इसमें, दिक्कत इससे ज्यादा बेटर यहां समझ में आएगा। जैसे एक्स इक्वल टू वन है और आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? इसका एक रूट आएगा वन, इसके दो रूट आएंगे, तो स्क्वायर करने से क्या हो रहा है? रूट्स बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ढंग से समझना, ध्यान दो। मैंने आपको बताया कि लॉग कब डिफाइंड होता है, जब जिस, हां हां, एक ही पावर नहीं है वो एक्स है बेस, ये पूरा पावर में, ए की पावर लॉग बेस ए एक्स, ये ठीक है, ध्यान से सुनिए बात। मैंने आपको बताया कि लॉग कब डिफाइंड होता है, जब बेस कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन, ठीक है कि नहीं? और जिसका नंबर लिया, लॉग लिया जा रहा है, वो नंबर कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ही देखो, वहां से मैं समझ के फिर एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा आपको, ध्यान से देखना है, कंसंट्रेट करो कि ये कब डिफाइंड होगी, जब वाई कैसा हो, पॉजिटिव, एक्स कैसा हो, पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड कब डिफाइंड होगी, जब ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, बोथ मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कब डिफाइंड होगा, ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, बात समझ में आ गई ना? या फिर एक्स और वाई का प्रोडक्ट कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो, तो प्रोडक्ट का पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों के दोनों कैसे हो, पॉजिटिव, या दोनों के दोनों कैसे हो, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना? तो जो राइट हैंड साइड है वो तो बस कब डिफाइंड है, जब दोनों के दोनों कैसे हो, पॉजिटिव, और ये कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कब डिफाइंड है, ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, ये तो सही है, कॉमन है, या तो दोनों के दोनों कैसे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। बात समझ में आ गई नहीं? नहीं आई? तो ये हमेशा वैलिड नहीं है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसमें जरूर ध्यान रखना। अगर आपने कहीं पे क्या किया तो आपने आंसर कम कर दिए, ध्यान से देखना। अगर कहीं पे आपने क्या लिखा है, 2x लिखा है, और कहीं पे क्या लिखा है, 2x माइनस वन लिखा है, और उसको क्या लिख दिया, log 2 x x माइनस वन लिख दिया, तो ये गलत है।
क्यों गलत है? आपने डोमेन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये साइड कब डिफाइंड होगी, एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ओवरऑल क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन वन। और ये साइड कब डिफाइंड होगी, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। ये एक्स लेस देन जीरो के लिए भी डिफाइंड होगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जब भी आप ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो डोमेन का जरूर ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डोमेन को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। एक स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखो, ऑल प्रॉपर्टीज आर वैलिड विद इन कंस्ट्रेंट्स ऑफ डोमेन, ऑल प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर कॉमन डोमेन, ऑल प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर कॉमन डोमेन। बात समझ में आ गई ना? ऑल प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर कॉमन डोमेन, समझ गए? मतलब दोनों साइड में जो कॉमन के लिए वैलिड है, समझ गए? जब भी आप लॉगरिथमिक मैनिपुलेट करें तो जरूर ध्यान रखें। इसे भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा आप गड़बड़ लग रहा था कि जैसे लॉग ए की पावर लॉग बेस ए एक्स है, मान लो ये एक्स नहीं है, हमने क्या मान लिया, वाई ले लिया, तो लॉग ले लिया, लॉग लिया तो कितना आया, बेस ए से लिया है, तो ए की पावर क्या आएगा, लॉग बेस ए एक्स, तो लॉग बेस ए वाई आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ये भी नोट कर सकते हो। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो कितना बचेगा, लॉग बेस ए एक्स और लॉग बेस ए ए, ये कितना होता है वन, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस ए वाई, ये वन ये ए, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स, समझ गए, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स, ठीक है। समझ गए ना, नोट करना है क्या, कर लो जल्दी करो। जल्दी करिए, आगे लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू इनइक्वलिटी, लॉगरिथमिक रिलेटेड टू इनइक्वलिटी। वैसे बहुत आसानी से आपकी समझ में आने वाली है, ध्यान से देखना कैसे, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक रिलेटेड टू इनइक्वलिटी, ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, ध्यान से देखिए। y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स का ग्राफ ऐसा कब है, ऐसा कब है, कब है ऐसा, वन हो, और ऐसा कब है, जब ये कैसा हो, ये कब होगा, ए ग्रेटर देन वन, और ये कैसा हो, ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, समझ गए। इसे देख के क्या लग रहा है, एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और यहां पर एक्स के बढ़ने के साथ साथ, तो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू ग्रेटर देन जीरो है, क्यों, ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइंड है, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू ग्रेटर देन जीरो ऐसा है, तो लॉग बेस ए एक्स वन कैसा होगा, ग्रेटर देन लॉग बेस ए एक्स टू, ऐसा कब होगा, जब ए कैसा होगा, ग्रेटर देन वन, बात समझ में आ गई ना, इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम, और ऐसा कब होगा, उल्टा कब हो जाएगा,
उल्टा कब हो जाएगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन। यहां पे एक्स के बढ़ने के साथ साथ, जैसे ये मान लो एक्स वन है, ये एक्स टू है, तो एक्स टू के लिए जो वैल्यू आएगी और एक्स वन के लिए जो वैल्यू आएगी, एक्स वन के लिए ऑब्टेंड वैल्यू ज्यादा होगी, वाई वन की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाई वन है और ये वाई टू है, कंपेरेटिव टू एक्स टू के लिए जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी उससे वाई वन से के लिए जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ में आ गई ना, ये ग्रेटर देन जीरो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर हम लॉग लेते हैं, अगर हम लॉग लेते हैं तो क्या होता है, बेस अगर ग्रेटर देन वन है और किसी ने इक्वलिटी का लॉग ले रहे हैं तो इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। और बेस कैसा है, बेस कैसा है, लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। समझ गए ना, ये बहुत काम की है, समझ आ गए। ठीक है, इतना आ गया, चलो बहुत है, इसे तैयार कर लेना, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करेंगे।